और ये सबटाइटल और कैप्शन हमने अपनी वीडियो में कैसे लगाया है। दोस्तों अगर आपको जानना है तो दोस्तों इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको अपनी वीडियो में सबटाइटल या कैप्शन ऐड करना है तो दोस्तों इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में जो आपको तरीका बताने वाला हूँ ये दोस्तों बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से दोस्तों आप अपनी वीडियो में जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में आप सबटाइटल या कैप्शन ऐड कर सकते हैं, या मल्टीपल लैंग्वेज में अगर आप सबटाइटल या कैप्शन लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आप मल्टीपल लैंग्वेज में भी सबटाइटल या कैप्शन लगा सकते हैं। कैसे करना है तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको YT स्टूडियो में आ जाना है, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पे वो सभी वीडियो दिख जाएंगे जो आपने अपने चैनल पे अपलोड किया है। उसके बाद दोस्तों आपको जिस वीडियो में कैप्शन या सबटाइटल लगाने हैं, दोस्तों मान लेते हैं कि मुझे इस वीडियो में सबटाइटल या कैप्शन लगाना है, इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही दोस्तों इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है, इस तरह से हम लोग नीचे आएंगे। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा वीडियो लैंग्वेज का, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ से वीडियो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे अपनी वीडियो का लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जिस भाषा में आपने वीडियो बनाई है वो लैंग्वेज दोस्तों आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने इस वीडियो में हिंदी में बोला हूँ, इस वीडियो में जो वॉइस ओवर है वो हिंदी में है, तो दोस्तों यहाँ से मैं हिंदी सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और ये चीज़ें करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आपको क्या करना है थोड़ा सा इस तरफ नज़र डालने हैं। यहाँ पे दोस्तों जब आप नज़र डालेंगे, जब दोस्तों आप इस तरफ नज़र डालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबटाइटल का, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जो सबटाइटल लिखा हुआ है आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे ये जो हिंदी ऑटोमेटिक लिखा हुआ है इसका आपको डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डुप्लीकेट एंड एडिट, तो दोस्तों आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि वीडियो में हमने जितनी भी बातें बोली है, जितनी भी चीज़ें हमने एक्सप्लेन किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ हमें मिल गया है। और डुप्लीकेट करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है इसे पब्लिश कर देना है। और जैसे ही दोस्तों आप इसे डुप्लीकेट करके पब्लिश कर देंगे फिर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। आप देखेंगे कि पहले जो है यही दो ऑप्शन था, ठीक है, पहले ये एक ऑप्शन था और दूसरा ये ऑप्शन था। जब दोस्तों आप इसे डुप्लीकेट कर देते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे डुप्लीकेट करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपके सामने एक और ऑप्शन आ गया है, ठीक है, सबसे ऊपर में आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसे दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्या करना है डुप्लीकेट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है ऐड लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहां पे ऐड लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे दोस्तों लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जिस लैंग्वेज में अपना सबटाइटल या कैप्शन लगाना है तो दोस्तों आप वो लैंग्वेज यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहां से दोस्तों मैं इंग्लिश UK या US सेलेक्ट कर लूँगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले हमारे पास सिर्फ ये दो ऑप्शन था, फिर जब हमने इसे डुप्लीकेट किया तो दोस्तों यहाँ पर एक और ऑप्शन आ गया। उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है ऐड लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करना है और जिस भाषा में हमें सबटाइटल या कैप्शन लगाना है वो लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो दोस्तों वो लैंग्वेज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको किसी और लैंग्वेज में भी सबटाइटल या कैप्शन लगाना है तो दोस्तों आप दोबारा से ऐड लैंग्वेज के ऊपर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और आप चाहें तो दोस्तों किसी और लैंग्वेज में भी सबटाइटल या कैप्शन लगा सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि मुझे पंजाबी में भी जो है कैप्शन ऐड करनी है तो दोस्तों यहां से मैं पंजाबी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इतना करते ही दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि पंजाबी कैप्शन भी ऐड हो चुका है और यहां पे इंग्लिश US भी ऐड हो चुका है
और साथ ही यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में तो हमारा ऐड हो ही चुका है, ठीक है। और ये दोनों चीजें करने के बाद अब हमें क्या करना है, ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही दोस्तों आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से इसे ट्रांसलेट कर लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा ऑटो ट्रांसलेट, आपको ऑटो ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। और इतना करते ही दोस्तों आपका हिंदी कैप्शन इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस पब्लिश के ऊपर कुछ नहीं करना है, बस आपको पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे दोस्तों आप पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके वीडियो में इंग्लिश में कैप्शन ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको पंजाबी में भी लगाना है तो दोस्तों आप यहां से ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप इसे पंजाबी में ट्रांसलेट कर देंगे। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि हिंदी से पंजाबी में ये कैप्शन ट्रांसलेट हो चुका है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, पब्लिश कर देना है। बस जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे पब्लिश कर देंगे तो दोस्तों आपके वीडियो में जो है पंजाबी में भी कैप्शन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो बस दोस्तों आपको इतना ही करना है, और इतना करते ही दोस्तों आपके वीडियो में जो है मल्टीपल लैंग्वेज में कैप्शन लग जाएगा। यानी कि दोस्तों फिलहाल हमने जो है इंग्लिश, यूएस और हिंदी और पंजाबी तीन भाषा में इसमें कैप्शन लगाए हैं। आप चाहें तो दोस्तों आप यहाँ पे ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करके, और जैसा मैंने बताया है इस तरह से करके दोस्तों आप अनगिनत या मल्टीपल लैंग्वेज में कैप्शन ऐड कर सकते हैं। अब ये ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, अगर आपको इसे देखना है, जानना है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना है। और जैसे ही दोस्तों आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो प्ले हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके वीडियो में कैप्शन ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है कैप्शन लग चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग जो भी चीजें बोलेंगे वो सारी चीजें यहाँ पे लिखाएगा। अगर नहीं लिखा रहा है तो दोस्तों आपको यहाँ पे इस वाले सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबटाइटल ऑप्शन में आना है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हिंदी सेलेक्ट रहेगा तो दोस्तों यहाँ पे हिंदी में कैप्शन या सबटाइटल लिखाएगा। मान लीजिए कि कोई पंजाबी समझता है तो दोस्तों यहाँ से वो पंजाबी कैप्शन ऑन कर सकता है। अगर कोई ऑडियंस पंजाबी समझता है तो वो इस तरह से पंजाबी कैप्शन को पढ़ के इस वीडियो को समझ सकता है। लेकिन इससे जो वॉयस आएगी वो तो हिंदी में ही आएगा। अगर मान लीजिए कि कोई ऑडियंस इंग्लिश समझती है तो वो क्या करेगी, यहाँ पे वो सबटाइटल में आएगी और यहाँ से दोस्तों वो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेगा। तो दोस्तों फिर वो जो है यहाँ पे इंग्लिश कैप्शन पढ़ पाएंगे। कैप्शन पढ़ के दोस्तों वो हमारी वीडियो को इंग्लिश में भी समझ सकता है। तो दोस्तों यही होता है सबटाइटल, और इसे ही दोस्तों कहते हैं कैप्शन। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ गया है, आपने सीख लिया है, अगर दोस्तों आपने सीख लिया है कि आप अपनी वीडियो में सबटाइटल या कैप्शन ऐड कर सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर एडटेक मित्रा चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही अमेजिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।